हाय फ्रेंड्स, नब्बे बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सलवार का कटिंग करना बताऊंगी। अब तक के सलवार से इजी है ये कटिंग करना, जितना अब तक मैं बताई हूँ उससे ये ज़्यादा इजी है। तो ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं ये कपड़ा दो तह में फोल्ड कर ली हूँ और ये कपड़ा 2.5 मीटर है। तो देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ से 6 इंच चौड़ाई इस तरह से फोल्ड करनी है। देखिए ये 6 इंच है और मैं इसकी लंबाई 32 इंच लूँगी। यहाँ 32 इंच पे निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से मैं 32 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये मोहरी के लिए है जो साइड में रहेगा, उसके बाद इसमें कली जोड़ी जाएगी। अब इसको काट के निकाल लेना है इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसमें से कली निकालूंगी। देखिए ये वाला जो कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े में से मैं कली का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं 32 इंच ले ली हूँ। इस तरह से ये कमर में रहेगा, वहाँ पे जहाँ बेल्ट ज्वाइंट होता है। और फिर ये नेफा देखिए 7 इंच है और इस तरह से तीरा निशान लगा लेनी है इसमें। देखिए इस तरह से निशान लगाना है। तो ये हो गया, अब इसे मैं काट के निकाल लूँगी। अब इस कली को यहाँ से उठा लेना है और फिर यहाँ पे रखना है इस तरह से, इसे सेट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से कटिंग करके निकालना है इसे और बिल्कुल इसी नाप का और सेम उस पल्ले के जैसा ही कटेगा। देखिए तो ये कट के तैयार हो गया। एक कली है देखिए जो 6 इंच चौड़ा और 32 इंच लंबा मैं निकाली थी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं अब बेल्ट निकालूँगी। तो सबसे पहले ये मोहड़ी चौड़ा बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे चौड़ी मोहड़ी के लिए ये कपड़ा निकाल ली हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई लगभग मैं 24 इंच ली हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसकी लंबाई 8 इंच लेना है। देखिए 8 इंच पे मैं निशान लगा ले रही हूँ और देखिए इस तरह से 32 और 8 40 से हो गया। देखिए यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाए और यहाँ पे भी मैं 8 इंच का ही निशान लगाऊंगी। तो ये हो गया, अब इसे मिला लेना है। तो प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरी सारी वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।